हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम जो यूनिट स्टार्ट कर रखी है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हमने लास्ट लेक्चर में ना आपको ओम्स लॉ किया था, ओम्स लॉ के किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी डिस्कस किया था। फिर हमने आर इजिकल टू रो एल बाई ए पे एल को चेंज कर लिया था, रेडियस को चेंज कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो टॉपिक क्या है हमारे पास, हम बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना चाहते हैं कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर का, अलॉयज का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा। तो उससे पहले मैं एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों। क्या एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ बेटा? एक्सप्रेशन फोर रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके बिना हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक्सप्रेशन फोर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर किस टर्म में बेटा? इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। बेटा सबसे पहले ना आज हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे इन टर्म ऑफ टाउ। टाउ हमने पहले डिस्कस किया था। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज टाइम या मीन टाइम। एवरेज टाइम, मीन टाइम बोल सकते हैं। कोलिजन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 10^10 नियरली -14 सेकेंड। तो हम सबसे पहले आज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम इफेक्ट देखेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं मेटल्स का, कंडक्टर का, तो उनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। तो बच्चों हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था, याद कीजिएगा, एन ई ए वी डी, एक तो ये निकाला था बेटा, और एक हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में पढ़ाया था, याद होगा, ई ई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एम इन टू टाउ। ये तो एक्सप्रेशन डिस्कस की थी हमने पहले। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम क्या करें बच्चों, ये वी डी की इक्वेशन यहां पर पुट कर ले हम, तो बच्चों आई कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों, एन ई ए, बेटा वी डी की वैल्यू पुट करवाइए, कितना होगा, ई ई बाई एम इन टू बेटा क्या है, टाउ। बच्चों यहां पर एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ये कंडक्टर है राइट, ये बेटा हमारे पास कंडक्टर है देखिए, और इसके अक्रॉस हमने ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था V। तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था और ऐसे करंट फ्लो कर रहा था राइट बच्चों, तो कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना डेवलप हुआ था, V बाई एल, डीवी बाई डी आर, बेटा डीवी तो V हो गया और कंडक्टर का लेंथ L है यहां पर राइट बच्चों, और A बेटा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का। तो मैंने क्या किया, यहां से VD की वैल्यू को उठाया और यहां पे VD पुट किया, तो बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गया देखो, I इज इक्वल टू बेटा N, E का स्क्वायर हो गया, दिस वन E एंड दिस वन E मल्टीप्लाई किया हमने, A बाय M और tau और इनटू बेटा इलेक्ट्रिक फ्लोर रह गया। अब आप देखो क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्लेस कर ले, dV बाय dr, V is the potential difference and L is the length, तो बेटा मैं E को रिप्लेस करूंगा V by L से, बोर्ड पे देखेंगे, this implies I is equal to N E square A tau divided by बच्चों M, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया कंडक्टर का बच्चों, V by L, देखो बेटा कैंसिल होता है कुछ, E is equal to V by L भी आ गया, तो बच्चों एक L E भी नहीं हो रहा, E भी कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, तो आप देखें V अपॉन I निकाल लो मैं इस इक्वेशन से बेटा, V अपॉन I, बेटा I इधर ले गए हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, एम एल डिवाइडेड बाई
एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ। आप देखेंगे ध्यान से, वी बाई आई, बेटा एम एल ऊपर आ गया, एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ डिनोमीटर में आ गया। और बच्चों होम्स लॉ क्या होता है आपने पढ़ा है, वी अपॉन आई क्या होता है बेटा, होम्स लॉ होता है। तो क्यों ना मैं इसको आर से रिप्लेस कर दूं, तो आर कितना आ गया, एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ। क्लियर ना बच्चों? बेटा एक और चीज देखो, एम यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है हमारा। ई बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है हमारा। कंडक्टर का एरिया फिक्स है हमारा। एल कंडक्टर की लेंथ है। हम लेंथ को डिस्कस, देखो लेंथ और एरिया को हम डिस्कस कर चुके कि लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता, हमने डिस्कस कर लिया। एरिया चेंज करने से हम डिस्कस कर चुके आपके सामने। तो अभी हमारा मोटो क्या है, एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, हो गया। एल और ए तो हम डिस्कस कर चुके, ई फिक्स है हमारा। तो हमारा मोटो आज का एन और टाउ चेंज करेंगे तो आर चेंज होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हमने बेटा आर की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ टाउ एंड एन। कैसे निकाला, पाई एन ई वी डी था, वीडी रिलैक्सेशन टाइम की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। वीडी को बेटा यहां से रिप्लेस कर दिया इस एक्सप्रेशन से, और इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर दिया हमने वी बाई एल। तो हमारा आर कितना आया, एम एल डिवाइडेड बाई बच्चों बोलो एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। वी कैन ऑल्सो फाइंड हियर रेजिस्टिविटी। बच्चों रेजिस्टिविटी हमने क्या स्टडी किया था, आर किसके इक्वल होता है, रो एल बाई ए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, याद होगा आपको। आर क्या होता है बेटा, सिंस आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, तो क्यों ना हम आर की वैल्यू पुट कर दें यहां पे, क्या रो एल डिवाइडेड बाई ए। और बेटा आर कितना निकाला हमने बोलो, एम एल डिवाइडेड बाई बच्चों एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ। तो बेटा देखो एरिया भी कैंसिल हो गया दोनों साइड से, लेंथ भी कैंसिल हो गया, तो बेटा रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन कितना आ गया, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वेयर इंटू टाउ। देखो एक बात देखो, दोनों एक्सप्रेशन में सिमिलरिटी क्या है, यहां पे एम, इसमें भी एम डायरेक्टली है, एल और ए को हम कंसीडर कर चुके, नीड नहीं है हमें, ई हमारा फिक्स है। तो सिर्फ हमें एन और टाउ पे काम करना है, एन और टाउ के ऊपर। एन क्या बताया था मैंने आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो मेटल्स में मैंने कहा था बच्चों बहुत ज्यादा होते हैं, एक मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^28 या 29 पर मीटर क्यूब। तो हमने सिर्फ पहले क्या किया, एक्सप्रेशंस निकाल दिया, ताकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसी भी मेटलिक कंडक्टर की कैसे चेंज होती है। दोनों एक्सप्रेशन क्लियर है। आर क्या है बच्चों, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इनटू टाउ, और बेटा एल और ए को रिप्लेस कर दो, तो हमने रो कितना है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर इनटू टाउ। दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म्स। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मैथमेटिकल टर्म्स वी कैन एक्सप्लेन, क्या कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे क्या करता हूं अभी मैं, स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करेगा। अभी हमने ये डिस्कस किया था, आर कितना है अपना, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, एंड द रेजिस्टिविटी इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। बच्चों एक बात तो आप ये देखें, हम जो पहले हमने डिस्कस किया था बेटा, आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। अगर बच्चों मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करता हूं, अगर मैं किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि बेटा जो एल बाई ए है ना, उसमें जो चेंज हुआ ना वो नेग्लेजिबल हुआ, मतलब नेग्लेजिबल चेंज हुआ। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज किया तो मैंने माना एल बाई ए तो बहुत कम चेंज होता है, तो हम उसको नेग्लेक्ट मान लेते हैं, नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो बेटा एक तरह से आर डायरेक्टली मैं रो लिख लूं क्या, आर क्या लिख लूं मैं, डायरेक्टली रो लिख लूं,
क्यों, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं तो मैं एल बाई ए को मैंने माना जो चेंज हुआ नेग्लिजिबल है, तो मैं आर डायरेक्टली रो लिख लू, मतलब जो इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होगा वही किसके ऊपर होगा, रेजिस्टिविटी पे होगा। अब आप ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे यहां पे क्या क्या कॉन्स्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फिक्स है, लेंथ कंडक्टर लेंथ और एरिया तो पहले ही कंसीडर कर चुके, तो हमारा मेन जो एम है आर किस पे डिपेंड हो रहा है बताएं आप, एक तो एन पे और दूसरा बेटा आर टाउ पे। देखो मैं आपको बताता हूं, कोई भी कंडक्टर होता है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा भी दिया तो भी एन के ऊपर कोई बहुत ज्यादा से इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेटल्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी होती है 10^28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा भी दूं तो इसके ऊपर तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, इसका एन तो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि एन तो पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी नेग्लिजिबल चेंज होगी क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतना अवेलेबल है 10^28। तो बच क्या गया फैक्टर जिस पे हम काम करें, आर टाउ बच गया हमारा, अब टाउ क्या करें, टाउ क्या होता है एवरेज टाइम, आर बच गया हमारा इनवर्सली टाउ, अब टाउ हमारा होता है एवरेज टाइम, कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अब मैंने आप एग्जांपल मानी कि कोई भी एक मेटल है, जैसे ही किसी मेटल का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उनकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी, थर्मल स्पीड तो बढ़ेगी, क्योंकि वी क्या होता है बेटा आप लोगों ने पढ़ा √3 kBT/m। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उनकी थर्मल जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी, जितनी स्पीड बढ़ेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर के एटम और आयन से जो कोलिजन होगा और जो एम्पलीट्यूड होगा वाइब्रेट करने का इलेक्ट्रॉन्स का अबाउट इट्स मीन पोजिशन, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा ऑसिलेशन का। मैंने क्या बोला, जैसे टेम्परेचर बढ़ा उनकी थर्मल स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कोलाइड करेंगे, एटम और आयन होता कंडक्टर वो मोर फ्रीक्वेंट होगा पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि अब उनकी स्पीड क्या होगी इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ने से जो कोलिजन का टाइम था, किसका कोलिजन का टाइम, फ्री इलेक्ट्रॉन किसके साथ, विद द एटम और आयन ऑफ द कंडक्टर, वो मोर फ्रीक्वेंट हो गया, तो कोलिजन फास्ट होने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है कोलिजन की वो बढ़ गई, और इसका मतलब बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, अगर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, तो उनका जो कोलिजन का टाइम है वो कम होगा, और अगर बच्चों कोलिजन का टाइम कम हो गया तो डेफिनेटली उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब ध्यान से देखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, एन को क्यों छोड़ा मैंने, क्योंकि मेटल में तो बेटा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो टेम्परेचर का ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया एन, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर में उनकी थर्मल स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ने से क्या हो जो कोलिजन वो फास्ट हो गया, कोलिजन फास्ट होने से क्या हो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन किसके साथ विद द एटम और आयन ऑफ अ कंडक्टर बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब कोलिजन का टाइम कम हो गया, कोलिजन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट लीनियरली क्या होगा बच्चों इंक्रीज होगा। इन सेम वे आप रेजिस्टिविटी पे बात करें तो मैंने देखो पहले बताया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है मेरे बच्चों, एल बाई ए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बच्चों ऐसा मानते हैं कि एल बाई ए में चेंज तो हुआ बट वो चेंज बहुत नेग्लिजिबल था, तो आर डायरेक्टली रो, तो सिमिलरली वहां से देखें आप, मैं रो को बेटा इनवर्सली टाउ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो जो इफेक्ट रेजिस्टेंस पे कंडक्टर में वही किस पे होगा रेजिस्टिविटी पे होगा या नहीं होगा, तो इट मींस अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट लीनियरली क्या होंगे इंक्रीज। अब बच्चों कैसे इंक्रीज होता है, मैंने बताया आपको टेम्परेचर बढ़ा स्पीड बढ़ी कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट हुआ, कोलिजन फ्रीक्वेंट होने से जो वाइब्रेशन था कोलिजन का वो भी बढ़ा, टाइम पीरियड क्या होगा कोलिजन का कम होगा, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होंगी ऑलमोस्ट लीनियरली इंक्रीजेस। क्लियर ना, अब देखो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स बताता हूं टू फाइंड रेजिस्टेंस विद राइज इन टेम्परेचर।
हम एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने मान लिया बच्चों आर टी, हमने ऐसा मान लिया आर टी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, राइट बच्चों, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 80 डिग्री सेल्सियस। और बेटा आर नोट हमने मान लिया कोई भी रेफरेंस पॉइंट मान लिया, कोई भी रेफरेंस टेम्परेचर मान लिया जिसके ऊपर रेजिस्टेंस आर नोट है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी नोट डिग्री सेल्सियस। बेटा ये टी नोट का जो रेंज होता है वो 0 डिग्री से और 20 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होता है। कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, मतलब इनिशियली हमारे पास आर नोट था, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया टी डिग्री कर दिया तो आर टी हो गया, राइट। तो बेटा चेंज कितना हुआ रेजिस्टेंस, चेंज हुआ बेटा पहले आर नोट था रेफरेंस पॉइंट पे, अब आर टी हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने बोला आपको रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ बेटा आर टी माइनस आर नोट। बेटा ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, आर टी हमारा क्या बोला रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी डिग्री सेल्सियस, और आर नोट बेटा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टी नोट, नहीं बेटा ये तो टी डिग्री सेल्सियस पे हो गया और ये बेटा टी नोट डिग्री सेल्सियस पे हो गया, राइट ना। अब चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया आर टी माइनस आर नोट। तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एक तो टेम्परेचर राइज कर गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और ये कितना हुआ ये किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल क्या था, इनिशियली क्या माना था आर नोट। तो बेटा जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक तो बेटा ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना था आर नोट था, और टेम्परेचर कितना रेज किया टी माइनस टी नोट हो गया, राइट। फिर देखो जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ बेटा ये किस पे डिपेंड करेगा, कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ, तो हमें ये पता नहीं ओरिजिनल कितना था आर नोट, क्यों हुआ ये चेंज, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया, कितना रेजिस्टेंस चेंज, कितना टेम्परेचर चेंज किया टी माइनस टी नोट। ऐसा बेटा याद कीजिए आप थर्मल एक्सपेंशन में भी पढ़ते थे, याद कीजिए चेंज इन लेंथ, याद कीजिए आप थर्मल एक्शन चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता था, राइज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता था। तो हम कॉन्स्टेंट क्या निकालते थे वहां पर अल्फा एल डेल्टा टी, और अल्फा वहां पर आप याद कीजिए प्लस वन में कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता था। इन सेम वे वही चीज है, देखो डेल्टा एल तो डेल्टा आर हो गया, ओरिजिनल लेंथ एल था, यहां पर ओरिजिनल क्या था आर नोट, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ टी माइनस टी नोट डेल्टा टी हो गया, राइट ना। तो हम इसको कलेक्टिव इसको कंबाइन करके कैसे लिख दूं आर टी माइनस आर नोट, बेटा एक कॉन्स्टेंट आ गया अल्फा आर नोट इंटू टी माइनस टी नोट। बेटा ये अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट, क्या बोलते हैं बच्चों टेम्परेचर कोफिशियंट। ये अल्फा को फाइंड आउट करना आना चाहिए न्यूमेरिकल्स में। तो अल्फा किसके बराबर आ गया आप बताओ बच्चों, आर टी माइनस आर नोट बच्चों डिवाइडेड बाई आर नोट इंटू टी माइनस टी नोट। बेटा देखो आर टी माइनस आर नोट क्या हुआ, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस आर नोट, आर नोट क्या बेटा ओरिजिनल, ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया आर नोट इनिशियल था, और इनटू क्या हुआ बेटा राइज इन टेम्परेचर। तो देखो बेटा अल्फा का यूनिट देखिए आप क्या आया, अल्फा का यूनिट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का कैंसिल हो गया, तो अल्फा का यूनिट बेटा डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। बट मैं एक चीज फिर बताना चाहूंगा, रेजिस्टेंस आर नोट इनिशियल था रेफरेंस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आर टी हो गया, तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हुआ आर टी माइनस आर नोट। ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ओरिजिनल पे, एक राइज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहां से हमने दोनों को कंबाइन किया तो अल्फा फाइंड आउट कर लिया। अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, चेंज इन रेजिस्टेंस मींस फाइनल माइनस इनिशियल, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू राइज इन टेम्परेचर। बच्चों मेटल के केस में कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, यू ऑल नो हम डिस्कस कर चुके। तो मेटल्स के केस में बेटा याद रखेंगे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है हमेशा, लो जरूर होती है बट पॉजिटिव होती है मेटल्स के लिए, और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के अल्फा नेगेटिव होता है, जो हम लेटर डिस्कस करेंगे। और इसकी वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है अल्फा की 0.04 डिग्री सेल्सियस इनवर्स कॉपर के लिए,
पॉजिटिव होता है बट लो होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो ये चीज पॉजिटिव आएगी, तो अल्फा कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव, राइट। अब बच्चों मैं जनरल चीज बता रहा हूं आपको, ये तो हमने जनरल केस बता दिया टी वन। अब मैं कहता हूं एक किसी मेटल का रेजिस्टेंस था टी वन डिग्री सेल्सियस पे आर वन, टी टू डिग्री सेल्सियस पे हो गया आर टू, देन हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, राइट। बच्चों ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, बेटा किसी भी जनरल टेम्परेचर टी पे हम आर टी को जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो आर टी वन इसको हम कैसे लिखेंगे, आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा टी वन, राइट। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस हो गया आर टी टू, तो हम बेटा कैसे निकालेंगे, आर नोट इनिशियल था अब हो गया वन प्लस अल्फा टी टू, राइट ना बच्चों। और एक बीच में आपको एक और चीज बता रहा हूं, आप लोग देखें, जैसे हम वो लिखते हैं ना आर टी, उसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे वैसे भी हो सकता है, आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, बीच में इस बात पे एक बार ध्यान देंगे बेटा, दिस इज नॉट टी, दिस इज डेल्टा टी, दिस इज नॉट टी, दिस इज डेल्टा टी स्क्वायर। तो डेल्टा टी अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट है बेटा, ये चीज बहुत स्मॉल होती है, तो हम इस टर्म को कैंसिल कर देते हैं, तो जनरल जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसे लिखा जाता है, आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा टी, बेटा दिस इज नॉट टी, दिस इज डेल्टा टी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके। अब मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूं वो क्या बताना चाह रहा था, कि बेटा किसी भी मेटल का टी वन डिग्री पे रेजिस्टेंस आर टी वन है, तो पहले रेफरेंस पे आर नोट था, तो ये तो वही चीज आ गई ना, आर टी बराबर आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा टी वन माइनस टी नोट, टी वन टी नोट को हमने जीरो मान लिया, तो आर टी वन आ गए, क्या एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल्स में यही एक्सप्रेशन यूज होगा, आर टी वन क्या है, आर नोट इंटू वन प्लस अल्फा टी वन, टी वन नोट डेल्टा टी, टी नोट को क्या मान लिया जीरो, आर टी टू हमारा ये हो गया, तो बेटा क्यों ना मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, आर टी टू अपॉन आर टी वन कितना आ गया, वन प्लस अल्फा टी टू अपॉन वन प्लस अल्फा टी वन। तो बेटा यहां से अल्फा निकाल सकते, देखो कैसे निकालूं, इस एक्सप्रेस में ऐसे लिख दूं, वन प्लस अल्फा टी टू इसको ऊपर ले गया बेटा, वन प्लस अल्फा टी वन की पावर माइनस वन, बाइनरी में लगा दूं मैं वहां पे, क्या आएगा बोलो, आर टी टू अपॉन आर टी वन, बाइनरी में खोलो बेटा, वन प्लस अल्फा टी टू, वन प्लस एक्स की पावर एन, वन प्लस एन एक्स करो बच्चों, वन माइनस अल्फा टी वन, तो बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, वन माइनस अल्फा टी वन प्लस अल्फा टी टू माइनस अल्फा स्क्वेयर टी वन टी टू। तो बेटा अल्फा बहुत स्मॉल होता है, तो स्क्वेयर तो और भी स्मॉल होगा, तो इस टर्म को नेगलेक्ट कर दे, तो देखो क्या आ गया, ध्यान से देखेंगे, आर टी टू अपॉन आर टी वन, पक्का बेटा माइनस वन इधर ले आया, इसको अल्फा कॉमन आ गया, टी टू माइनस टी वन, तो बेटा देखो फिर अल्फा निकाल लिया या नहीं निकाल लिया, अल्फा कितना है बताओ बच्चों जल्दी बोलो, आर टी टू माइनस आर टी वन अपॉन क्या आ गया, आर टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन, बच्चों यही लिया था ना, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू आर टी टू माइनस आर टी वन, आर टी वन टी टू, आर टी वन टी टू माइनस आर टी वन इंटू टी वन। दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग अल्फा व्हेन टू मेटल्स, वन इज एट टी वन टेम्परेचर एंड अदर इज एट टी टू टेम्परेचर। लेटर हम डिस्कस करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।